हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और जैसे मैं डेली काम करता हूँ वो काम आज भी कर रहा हूँ। देखिए, काट रहा हूँ बरसीन, कल काटा था उसमें और आज काट रहा हूँ उसमें इसमें, और यहाँ तक आधा जो बरसीन है मैं दे दिया हूँ बकरियों को खाने के लिए ले जा करके। और फ्रेंड्स, अभी तोड़ने जा रहा हूँ ये क्या बोलते हैं, देखिए ये लोग मिरिंगा बोलते हैं अपने इंडिया में सहजन, और आपको दिखाऊं फ्रेंड्स इतना अच्छा फरा हुआ है सहजन, दिल खुश हो जा रहा है देख करके। और मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे सजाऊं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है ना यहाँ पे कभी कभी कि सब्जी देखने को नहीं मिलता है आलू के सिवा हरा सब्जी। और अभी इस वक्त देखिए कितना ज्यादा सहजन देख रहे होंगे आप लोग, एकदम नीचे तक जाके फरा हुआ है। तो मैं कफिल से अपने बोला तो बोल रहा कि नहीं नमाई अबगा, इसको नहीं चाहिए, ये देखिए ये पत्ता खाता है, ये आएगा और पत्ता तोड़ के खाएगा और ये सहजन नहीं खाता, पत्ते तोड़ कर ले जाता है, इसका साग वोग बनाता है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा भाई, मजा आ जाता है देख करके। और यहाँ भी देखिए बहुत सारा है, बहुत सारा है। और ये ऐसा चीज है फ्रेंड्स कि मैं चाहता हूँ कि इसको तोड़ करके, पिछले साल तो पिछले साल फ्रेंड्स ये वाला पेड़ था तो उसके बारे में भी अभी बता रहा हूँ। ये जो गिर गया था तो मैं दोबारा इसको खड़ा किया, मैं सोचा भी फरेगा कि नहीं, लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग इसमें भी सहजन आना स्टार्ट हो गया है। और ये तीन तीन बार सूख चुका, लेकिन अब की बार दवा मैं डालते रह गया तो अभी सही हो गया। तो ये सहजन फ्रेंड्स मैं ले जा करके तलाजे में फ्रिज में रख देता हूँ, सोचता हूँ कि फ्रिज में रख दूंगा तो खराब नहीं जल्दी होगा, लेकिन फ्रिज में रखे रखे इसका स्वाद थोड़ा अलग हो जाता है तो मजा नहीं आता फ्रिज में रखने के बाद। ये और कोई सब्जी अगर रख दिया जाए तो अच्छा लगता है खाने में, लेकिन ये रखने के बाद अच्छा नहीं लगता। मैं कई बार ऐसा चेक कर लिया और मुझे मजबूरी में फेंकना पड़ जाता है। तो यही सोच रहा हूँ कि अभी तो सब्जी इतना ज्यादा हो गया, ये देखिए घेवड़ा भी है हमारे पास, ये सहजन हो गया, आलू तो ला के दिया खा ही नहीं रहा हूँ इस समय, वो फ्रिज में मीट भी रखा हुआ है और अभी बकरा भी काटने वाला है जिसका तैयारी अभी से बन गया है, मुझे दिखा दिया कि इन्हीं दोनों को काटना है। और ये है सीढ़ी जिसमें आपको दिखा दूं तरीका फ्रेंड्स, बांध रखा है ये देखिए, अभी इसको ले जाके मैं रखूंगा वहां पे क्या बोलते हैं वो जो खजान है जो टंकी है, ये देखिए ये जो रस्सी बंधा हुआ पता नहीं कितने सालों से, जो कि इसी तरह से वहां पे खड़ा करके इसी में इसे गोड़ टांग देता है और काटना स्टार्ट कर देता है फ्रेंड्स बकरों को, इसी में काट करके वो छोटे छोटे करके बर्तन में रख के उठा ले जाता है। तो दो तीन दिन बाद वो भी कट जाएगा, मतलब कि मजा आ जा रहा है इस वक्त। और दो तीन महीने बाद फिर वही हालत आ जाएगी पहले जैसे, बस लगातार आलू खाओ आलू खाओ आलू खाओ, तो यही सब बात होती है फ्रेंड्स। अभी तोड़ लूं मैं सहजन, और हाँ ये इसलिए इसको सधाना है फ्रेंड्स, तो सधाऊंगा नहीं तो खराब हो जाएगा। और ये जो चाचा है, एक जो चाचा हमारे हमसे मिलने आते हैं उनको बोला हूँ लेकर जाइए, तो वो बोल रहे हैं कि हम नहीं ले जाएंगे। हम बोले कि कोई बात नहीं मत ले जाइए, अब यहाँ मामा आए हैं उनको दे दूंगा, आप लेकर जाइए आप खाइए। अभी तो वो आएंगे तो उनको खजूर भी मैं दूंगा, वो आए थे हमारे रूम पे मैं भूल गया उनको दिया नहीं, और अभी खजूर ज़्यादा है बकरियों को देना पड़ेगा, मैं भी ज़्यादा नहीं खाता हूँ बस थोड़ा बहुत खाता हूँ। तो सोच रहा हूँ फ्रेंड्स कि इसको ये जो नेर नेर करके आज अलग ही तरीके से बनाऊंगा, बस सधाना है, मसाला वसाला नहीं डालना, बस इसको देखूंगा चेक करूंगा कैसा लगता है, अगर अच्छा लगेगा तो इसी तरह से ज्यादा ज्यादा बना बना के खा लूंगा ताकि फेंकना ना पड़े, पिछले साल बहुत ज्यादा फेंकना पड़ गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ज्यादा नहीं, बस इतना तोल लिया हूँ चेक करने के लिए, देख रहे होंगे आप लोग, और लेकर चलता हूँ जो दिमाग में आया है कि हाँ इसी तरह से बनाऊंगा तो ज्यादा खा सकता हूँ, इसको खत्म करना है। नहीं तो ये भी है देखिए, एक पेड़ ये दिखाई दिया हूँ, दूसरा ये पेड़ है, तीसरा ये पेड़ है, जो कि तीन दिखा दिया, जो फरने वाला इधर भी दो तीन है जिसमें एक फर रहा है उधर लास्ट में है, और अभी उधर भी एक दो पेड़ है फ्रेंड्स उसमें भी फरता है। और ये वाला दूसरा सहजन है, ये देखिए छोटा छोटा सा होता है और ये भूरा भूरा सा होता है। और यहाँ फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि हरा भरा क्या होगा, मैं कई बार वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये सोच रहे होंगे आप लोग ये क्या चीज है हरा भरा, तो इसका नाम क्या बताऊं, मैं नजदीकी से एक बार दिखाई दूं आप लोगों को, ये तो एकदम खाने में मजा ही आ जाता है। और जिधर भी मैं हाथ लगाऊं फ्रेंड्स, अंगूर ही अंगूर है, यहाँ देख सकते हैं पूरा अंगूर ही अंगूर है, जिधर भी मैं हाथ लगाऊं
बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। अभी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक बार नीचे कैमरा घुसाता हूँ, क्या पता दिख रहा हो कि नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा अंगूर फरा हुआ है। अभी एक बार इधर दिखा दूँ, ये देखिए पूरा, जिधर मतलब मैं दिखाऊंगा उधर सब अंगूर ही अंगूर है। तो हमारा जो कफील है इसको है फ्रेंड्स शुगर, ये मैं अपना कहाँ रख दिया, हाँ फ्रेंड्स इसको है शुगर। ये ज्यादा वो मीठा चीज नहीं खा पाता है, लेकिन हाँ खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है। और इसके जब बच्चे आते हैं तो वही 2-4 दिन के लिए आते हैं सब, वो लोग भी ज्यादा नहीं खाते हैं, मैं ही खाता हूँ, काम करता रहता हूँ अपना, और तोड़ लेता हूँ, एक झोपा तोड़ के ऐसे हाथ में ले लेता हूँ, उसके बाद घूमता रहता हूँ, खाना खाता रहता हूँ, पानी उनी चलाता रहता हूँ। अभी ये सब लेके चल रहा हूँ, और वो सीढ़ी भी उठाऊंगा फ्रेंड्स जो कि अभी आपको दिखाया हूँ, और ले जा के रखूंगा खजान के पास, क्योंकि कल ही बोला था और आज भी सुबह बोल दिया, तमा फिर रक्कब सिल्लम मैं बोला वही माफी मुश्किल ना रक्कब अलहेन, बोला कि आज भी नहीं रखा, मैं बोल दिया कि अभी रख दूंगा, टेंशन नहीं लो। ये सीढ़ी लेके चलता हूँ, रखूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ रखूंगा और कहाँ पे काटा जाता है। उसके बाद चलूंगा रूम पे फ्रेंड्स, और कुछ बनाऊंगा खाना वाना, अभी तो कल वाला बाकी है, तो चावल हो सकता है बना लूँ और उसके साथ खाऊंगा। तो चलते हैं रूम पे, वहीं पे मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ला के रख दिया हूँ सीढ़ी, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ये जो पानी का टंकी है इसी पे लगा देता हूँ, और ये जो रस्सी लटकी हुई है देख लीजिए, यहीं पे हमारा कफील काटता है, और यहाँ पानी का जो पाइप निकला हुआ है इससे हम लोग पानी खोल करके उससे धो धा लेते हैं, और इस पे रख के उसको जबे करता है, इस पे रख के। तो अभी ये भी मैं भूला नहीं हूँ, साथ में लेके आया हूँ, और चल रहा हूँ अभी अपने रूम पे। यहाँ जो देखिए हमारा रूम है, और यहाँ बकरियों का, और हमारे रूम के पीछे फ्रेंड्स लगता है कोई आदमी भेड़ और चरा रहा है, तो यहाँ बस वही भेड़ बकरी चराने वाले, और वो तेरी का वो तो लगता है मामा जी वाले भेड़ बकरी जैसा, जो मामा जी हमारे आए हैं, या तो वही होंगे या तो उनके साथ में कोई दूसरा होगा फ्रेंड्स, पता नहीं, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ से, शायद एक बार थोड़ा जूम करूँ आप लोग भी देख लेंगे। यहाँ देखिए भेड़ बकरियाँ जा रही हैं सब वहाँ वाइट वाइट करके, और फ्रेंड्स हमारा कैमरा उतना अच्छा नहीं है इसीलिए ज़्यादा जूम करता हूँ तो फटने लगता है। लेने वाला हूँ फ़ोन, मैं भी ले लूँगा, लाइव भी नहीं आ पाता हूँ, आप लोगों से बात भी नहीं हो पाती है लाइव आ करके, तो इसके वजह से मैं कैमरा लूँगा, कैमरा कह रहा हूँ, फ़ोन लूँगा फ्रेंड्स बढ़िया वाला। तो फ्रेंड्स आ गया रूम पे, और देखिए चावल भी रख दिया हूँ, और ये है हमारा जो इसमें इसको बनाऊंगा, जिस तरीके से बनाऊंगा फ्रेंड्स आप लोगों को सब दिखा रहा हूँ नजदीकी करके कैमरा, पहले इसको थोड़ा रख लूँ इस पे होता रहे, ताकि आप लोगों को पता ही होगा मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है सुबह सुबह टाइम फ्रेंड्स, नहीं तो आ जाएगा अभी खाना खाने से पहले ही बोल के चला जाएगा, तो फायदा नहीं होगा। अभी आप लोगों को सब ये देखिए नमक है हमारा डोडा वाला, और नजदीकी से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स अभी बढ़िया से। तो फ्रेंड्स जब मैं आया तो देखिए यहाँ पे रख दिया हूँ चावल, जो कि चावल हो रहा है, और ये था हमारा जो तलाजे में निकाला हूँ, ये है कल वाला हमारा जो कलौजी, यहाँ देखिए इसको गरम करूंगा, ये हो गया। और ये देखिए फ्रेंड्स ये जो सहजन लेकर मैं आया हूँ, इसको देखिए कैसे नेर नेर करके बना दिया हूँ, और ये रखा हूँ पानी इसमें, और इसमें डाल दिया हूँ हल्का सा नमक, और नमक डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें सीधा मैं ये डाल दूंगा, ना कोई तेल, ना कोई मसाला, ना कोई हल्दी, आज फर्स्ट टाइम ऐसा मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स। और एक चीज आपको बताता हूँ, ध्यान से जरूर सुनिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसा बना रहे हो आप। फ्रेंड्स मुझे ये पता है और सुना हूँ कि सहजन में ताकत होती है, शरीर के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और अगर इसमें मैं हल्दी मसाला डाल दूंगा तो सब्जी बन जाएगा, उस सब्जी बन जाएगा तो मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, इसीलिए हल्का नमक डाला हूँ, पानी में डाल के इसको बॉयल करूंगा, बॉयल करने के बाद देखता हूँ कितना खा जाता है कितना नहीं, अगर अच्छा से खा जाएगा
तो हमेशा ऐसे तोड़ के लाऊंगा, ऐसे बना के खाऊंगा, क्योंकि सब्जी बना दूंगा तो मैं पूरा पेड़ों का सहजन नहीं खा सकता। हमारा कपिल खाता नहीं है, कोई लेके जाने वाला भी नहीं है, और मैं फेंकना नहीं चाहता। पिछले साल मैं फेंका था ना, मैं बहुत पछताया था, ये फ्रिज में रख दिया था फ्रेंड्स, सब खराब हो गया था। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, हमारा चावल हो ही गया है, और ये सहजन जो है इसको भी रख दिया हूँ, इसको थोड़ा टाइम के लिए ढक देता हूँ, और हो जाएगा तो देखूंगा कैसा लगता है कैसा नहीं। फ्रेंड्स जब मैं यहाँ पे अकेला हूं ना, तो एक एक चीज मैं चेक करता रहता हूँ, ना कोई खाने वाला ना कोई बोलने वाला, तो कौन सा चीज कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, अकेले मैं चेक करता रहता हूँ, अलग अलग चीज, नया नया चीज खोजता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ जैसे टाइम मिलता है। ये देखिए चावल हो गया, अभी बंद कर दो फ्रेंड, नहीं तो वीडियो बनाने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है ना, जल जाता है। तो फ्रेंड्स अभी खाना निकाल लिया हूँ, और कैमरा नजदीकी करके दिखाऊं मैं सहजन को किस तरह से बनाया हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए जो हमारा कलौजी था कल वाला, और ये कलौजी है, निकाल लिया हूँ। और ये जो देखिए फ्रेंड्स बनाया हूँ, जो पानी में मैं उबाला, इसको थोड़ा सा डाल दिया हूँ हल्दी, हल्का सा था नमक। तो फ्रेंड्स इसको खा के मैं आपको बताऊंगा कैसा हुआ है, अगर अच्छा हुआ तो मैं डेली बनाऊंगा, क्योंकि सहजन बहुत ज्यादा है हमारे पास, और खाने से ये हो सकता है कि फायदा भी हो। तो मैं यहाँ पे रख लूँ फ्रेंड, जहाँ पे खाना खाता हूँ डेली, जगह हमारा जानते ही होंगे आप लोग, यहीं पे खाता हूँ। पानी उन्हें देखिए भर के रख लिया हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो सब्जी कल का था हमारा, और ये जो बनाया हूँ इसको थोड़ा टेस्ट करूँ, अगर अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो डेली बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स जब भी मैं खाना बनाता हूँ तो बहुत सही सही आप लोगों से बताता हूँ, कल भी बनाया, पहले भी बनाया था, बताया था, और ये आप लोगों से बता दूं कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बस हल्का सा नमक डाला हूँ और हल्दी डाल के इसको उबाल दिया हूँ। सब्जी बनाता हूँ तो उतना नहीं खा पाऊंगा, लेकिन ये मैं पूरा खा सकता हूँ। तो यही सब करता रहता हूँ, नया नया तरीका लगाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है, कोई अगर बिगड़ भी जाए एक दिन खाना तो कोई बोलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा,